हेलो लेडीज़, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं सोया चाप की एक स्पेशल रेसिपी जो कि काफ़ी फेमस है। ये देखिए, ये है सोया चाप। ये आपको मार्केट में या मॉल में इजीली मिल जाएंगे, और अगर आपको नहीं मिले तो अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, देख लेते हैं इसमें क्या क्या सामान लगने वाला है। हमने ये आधा किलो सोया चाप लिया है, ये कर्ड है जिसका हमने पानी निकाल लिया है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट, कसूरी मेथी, मगज के बीज जिसको कि दूध डाल के हमने इसको पीस के रखा है, चाट मसाला, क्रीम, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर। यहाँ हमने सोया चाप को अच्छे से वॉश करके बॉईल करने रख दिया है 10 मिनट। जब तक सोया चाप बॉईल होगा, हम एक बाउल में सारी सामग्री मिक्स कर लेते हैं। इंडिया में अभी भी बहुत से लोगों को सोया चाप के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बट इट इज़ फेमस स्ट्रीट फूड इन नॉर्थ इंडिया। सोया चाप इज़ अ काइंड ऑफ वेजिटेरियन मीट। जो लोग नॉन वेज नहीं खा सकते उनके बीच में ये बहुत फेमस है, वेजी लोगों की फेमस डिश। सोया चाप को कई डिफरेंट तरीके से बनाया जा सकता है। इसकी तीखी करी रेसिपी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हम एकदम इजी स्नैक्स बना रहे हैं। बाउल में हमने डाल दिया है कर्ड, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्लैक पेपर 1 चम्मच, एंड मगज के बीज, चाट मसाला, कसूरी मेथी भी डालेंगे, रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीम का यूज़ लास्ट में होगा गार्निशिंग के लिए। सोया चाप मलाई करी भी बनती है, जिसे मेन कोर्स में सर्व कर सकते हैं रुमाली रोटी और चटनी के साथ। चॉप बॉईल हो चुके हैं, इसके अंदर की स्टिक्स हमने निकाल दी हैं, और सारे चॉप्स को ऐसे लंबाई में हम कट कर लेंगे। जब हम इसकी करी बनाएंगे तो इसको चॉप को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट इसके पीसेस करके इसको फ्राई करते हैं। बट वी आर गोइंग टू मैरिनेट इट, इसलिए इसको बॉईल करना ज़रूरी था। नाउ डिप द सोया चाप इन द मैरिनेशन फॉर हाफ एन आवर। अब हल्के हाथों से सारे सोया चाप को मिक्स कर लेंगे, अच्छे से सारा मिश्रण उनके ऊपर लग जाना चाहिए। आधा घंटा हो चुका है, अब सभी पीसेस को हम ओवन में ग्रिल करने वाले हैं। ओवन को हमने चारकोल पर सेट किया है और इसका मलाई टिक्का ऑप्शन चूज़ किया है। आफ्टर 18 मिनट्स चॉप्स आर रेडी। अगर आप ओवन का यूज़ नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आप इसको फ्राइंग पैन में शैलो फ्राई करिए, उससे भी क्रिस्पी हो जाता है। अब हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। सभी पीसेस को कट करने के बाद हम फिर से इसको बाउल में डालेंगे, प्याज के लच्छे डालेंगे एंड गार्निश विथ चाट मसाला एंड क्रीम एंड बटर। बटर को मेल्ट करके इसमें मिलाएंगे एंड अच्छे से मिक्स करेंगे। लीजिए, बनके तैयार है मलाई सोया चाप। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। सो लेडीज़, अगर आपके पास टाइम है एंड यू वॉन्ट टू मेक समथिंग एक्स्ट्रा स्पेशल फॉर योर फैमिली, तो आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। फिर मिलेंगे।